श्री नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। एक मंत्र है जिसका 20 बार आप दिन में जाप करेंगे और आप हर तरीके से सुरक्षित रहेंगे। इसको कहते हैं गुप्त कुंजिका मंत्र। आप जो कुंजिका करते हैं मार्कंडे पुराण का, वो कुंजिका स्त्रोत्र है, उसके बीच में कुंजिका मंत्र दिया हुआ है। लेकिन एक विशुद्ध तांत्रिक कुंजिका मंत्र है जिसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो बहुत जिसके पास समय ना हो या जिसके पास समय भी हो और वो तांत्रिक विधि से भगवती की पूजा करता है, उसके लिए ये मंत्र और ये विधान जो 9 दिन का मैं बताऊंगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जीवन में एक बार करके जीवन भर आप लोग इसका लाभ ले लीजिए। देखो, दो तरीके का भगवती महात्म्य लिखा गया, एक तांत्रिक सिद्धि के दृष्टिकोण से, एक जन कल्याण के लिए। जो जन कल्याण के लिए लिखा गया वो मार्कंडेय पुराण कहलाता है। जैसे मार्कंडेय पुराण थोड़ा विस्तृत है और जो तांत्रिक सप्तशती है वो बहुत छोटी है। अगर मैं शुरू करूं, श्री दुर्गा देवी कवचम, श्री गणेशाय नमः, श्रीनु देवी प्रवक्षामि कवचम सर्व सिद्धिदाम, इसके 12 लाइन के बाद दुर्गा कवच समाप्त हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान होगा मार्कंडेय पुराण में देवी के चरित्र का भी वर्णन है। प्रथमम शैल पुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडाते चतुर्थिकम्। उसके बाद शरीर के एक एक अंग की रक्षा भगवती का एक एक रूप करता है, वो पूरा पढ़ते तो कवच समाप्त होता है, फिर कील आता है, फिर अर्घ्य आता है। लेकिन जो तांत्रिक सप्तशती है उसमें सब कुछ बहुत शॉर्ट में करके दिया गया है। और बहुत शॉर्ट में करके दिया गया है उसका ये कारण है कि उसमें बहुत सारे बीज मंत्रों का प्रयोग है जो आम लोग नहीं कर सकते, साधक वर्ग कर सकता है। आज मैं आपको उसी तांत्रिक और गुप्त सप्तशती से गुप्त कुंजिका मंत्र दूंगा। इसको गुप्त कुंजिका क्यों कहते हैं और इसको मंत्र क्यों कहते हैं? देखो, जब आप कुंजिका पाठ करते हो ना, तो उसको उसके शुरुआत में ही बोला जाता है श्रीनु देवी प्रवक्षामि कुंजिका स्त्रोत्रमुत्तमम। लेकिन जब आप तांत्रिक कुंजिका पढ़ते हो तो उसमें है श्रीनु देवी प्रवक्षामि कुंजिका मंत्रमुक्तमम। मतलब मार्कंडेय पुराण में आपको स्त्रोत्र के लिए दिया गया कि आप स्त्रोत्र पढ़िए, स्त्रोत्र से शक्ति को ग्रहण कीजिए। लेकिन जो तांत्रिक कुंजिका है उसमें मंत्र दिया गया श्रीनु देवी प्रवक्षामि कुंजिका मंत्रमुत्तमम, ठीक है। इसके अलावा जो इसका महत्व बढ़ता है वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि ये देवी कामाख्या के मुख से निकला है। जब आप मार्कंडेय पुराण में कुंजिका स्त्रोत पढ़ेंगे तो आपको बोलेगा गोपनीयम प्रत्नेन सो योनिर्व पार्वती। लेकिन अगर आप कुंजिका स्त्रोत्र में उसको पढ़ते हैं तो बोला जाता है गोपनीयम प्रत्नेन स्व योनि वच्च पार्वती। मतलब भग से निकला ये मंत्र है और इसका अर्थात होता है कि कामाख्या भगवती के मुख से बताया गया ये मंत्र है, ठीक है। तो इसका पूजा विधान क्या होगा? एक चौकी छोटी ले आइएगा, माँ भगवती का महिषासुर मर्दनी के रूप की एक तस्वीर लाइएगा जो आप अपने घर में 9 दिन तक रखेंगे। चाहे तो आने वाले नवरात्र को सिद्ध करो या इस नवमी से आने वाले अमावस्या तक में इसको सिद्ध कर लो, ये आप पर है, ठीक है। उसके बाद आजीवन इसका जाप करना है। माँ की तस्वीर रख ली, उसके सामने राइट हैंड साइड में एक कलश बैठाएंगे, आपके राइट हैंड साइड, माँ भगवती के लेफ्ट हैंड साइड में एक कलश बैठाएंगे। नीचे थोड़ा चावल डालेंगे, उसके ऊपर एक कांसे का लोटा रखेंगे, उसमें जल भरेंगे, आम का पल्लव डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, थोड़ा और अक्षत डालेंगे, ठीक है। माँ के राइट हैंड साइड, आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक घी का दीपक होगा जो कि 9 दिन तक जलता रहेगा। सामने रार का धूप देंगे और 9 दिन में 9 अलग अलग भोग देंगे। हर रोज पंच पूजा की जाएगी धूप दीप नवेद गंध और पुष्प से। जो पुष्प शुरुआत में चढ़ाएंगे बाकी बाद में माँ का पूजा उसी पुष्प पे देंगे। अगर आपको पता है कि आचमन कैसे देते हैं, मैंने एक वीडियो में बताया है, तो जो आचमन देना है, जो गंध देना है, जो भी देना है वो उस पुष्प पे देंगे, ना कि उस फोटो पे देंगे, ठीक है। माँ का जो पूजा होगा वो चाहे तो चंडी के रूप में आप कर सकते हैं या फिर कामाख्या के रूप में कर सकते हैं। दुर्गा के रूप में माँ की पूजा नहीं होगी। जो मंत्र मैंने बताया था ओम भगवती देवी दुर्गाय नमोस्तुते
ओम भगवती देवी दुर्गा नमोस्तुते पुष्पम समर्पयामि, तो दुर्गा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दुर्गा? मूलभूत कारण यह है कि जब रचना हुई थी मार्कंडेय पुराण की या कुंजिका भगवती की, तो दुर्गा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। अगर आप लोगों ने मार्कंडेय पुराण पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा शायद कि जो प्रथम मध्यम और उत्तम चरित्र है, अंत में भगवती ने बताया कि आने वाले समय में, ये अंत में है दुर्गा सप्तशती में, कि आने वाले समय में मैं दुर्गम राक्षस का वध करूंगी और तब मुझे दुनिया जो है वो दुर्गा के नाम से जानेगी। तो भगवती चंडी या भगवती कामाख्या का आप नाम लेंगे कि ओम भगवती देवी चंडिका या भगवती देवी कामाख्या, जिस रूप में आप पूजना चाहते हैं माँ को, ठीक है। और उसके बाद इति आगच्छता इति तिष्ठता, ऐसा करके पहला दिन आप माँ को निवेदन करके बुला लेंगे, पंच पूजा करेंगे, उनको बुला करके फिर जो मंत्र मैं बोल रहा हूँ उसका मात्र 10 बार जाप करेंगे। कितनी बार? 10 बार। 10 माला नहीं, 108 बार नहीं, सिर्फ 10 बार। मंत्र सुनिए। ओम श्लैम दुम क्लीम क्लौम जुम सह जलयो ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल प्रबल प्रबल हम शम लम छम फट स्वाहा। फिर से सुनिए। ओम श्लैम दुम क्लीम क्लौम जुम सह ज्वलयो ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल प्रबल प्रबल हम शम लम छम फट स्वाहा। ये 10 बार जाप करने के बाद आप क्षमा प्रार्थना करेंगे भगवती से। आवाहनम न जानामि, ना जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरीम, यत पूजिता माया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। उसके बाद कपूर लेकर के भगवती की आरती करेंगे। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हरम सदा वसंतम हृदय विंद भवम भवानी सहितम नमामि। और अगर गा सकते हैं तो जग जननी जय जय माँ, ये आरती गा लेंगे संध्या में, ठीक है। पूजा समाप्त हुआ, उसके बाद फिर 10 बार आपको ओम श्लैम दुम क्लीम क्लौम जुम सा उठने से पहले जाप करना है। तो एक दिन में कितना जाप करना है आपको? 10, और 10 20 बार जाप करना है। ऐसा आप 9 दिन जाप करेंगे। 9वें दिन भगवती की तस्वीर का विसर्जन कर देंगे, ठीक है। और जो भी सामग्री पूजा में इस्तेमाल हुआ है सबका विसर्जन हो जाएगा, और वो जो मंत्र है उसको आप उस दिन से आजीवन 10 बार जपेंगे। कितनी बार? 10 बार, 20 नहीं, एक बार सिद्ध हुआ उसके बाद 10। मैंने पहले भी बताया बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिसका ज़्यादा जाप करने से वो बहुत उल्टा प्रभाव देता है। जैसे जो गुप्त गायत्री है, गुप्त गायत्री का 24 बार से ज़्यादा अगर आप जाप करते हैं तो वो आपको आपके दिमाग को खोलने के बदले हो सकता है ब्रेन हैमरेज दे दे। वैसे ही जो ये मंत्र है ये बहुत तीव्र बहुत प्रभावी मंत्र है। इसको सिद्ध करने के चक्कर में 4 लाख 5 लाख 108 एक दिन में 10 माला ऐसा गलती से भी ना करें, ये चूक कोई ना करे। 10 मतलब 10, इसको अगर सिद्ध कर लेते हो उसके बाद भगवती की जो कृपा आपके ऊपर आएगी वो आप फर्स्ट हैंड फील कर पाओगे। उसके बाद आपको किसी के पास नहीं जाना होगा ये बोलने के लिए कि मुझ पे मारण हो गया, मोहन हो गया, उच्चाटन हो गया, विद्वेषण हो गया, ठीक है। क्योंकि जो इस मंत्र के से भगवती की जाप करता है ना, उस पर कभी भी किसी प्रकार की क्रिया का उपयोग नहीं हो सकता है। ये गुप्त है, ये महारौद्र मंत्र है, ये महाप्रभावशाली मंत्र है, ये बहुत तीखा मंत्र है, चल जाए तो बस चलने से काम हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ सकते हैं। नंबर 9 4 2 1 8 8 8 8। इसमें आपको आसन है तो गुरु मंत्र से पहले कितनी साधनाएं होती है सब आपको सिखाएगी। जिनको डायरेक्ट बात करना है वो पानी फॉर ऐप डाउनलोड करें, उसमें रूटीन एंड स्पोर्ट्स ऑफ करेंगे तो फॉलो कर लेना, तो उसमें भी मुझसे बात कर सकते हैं या www.agotha। हेलो।